हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो यस फ्रेंड्स, वापस आए हैं सेकंड पार्ट करने, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इन आपकी अदालत, इलेक्शन स्पेशल। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट पार्ट बहुत ही अच्छा था, कमाल का बोल रहे हैं, देशभक्ति, देश के हित में साफ नजर आता है वो देश का प्यार। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जब पता है कि लातों की भीड़ बातों से नहीं मानते तो ये बार बार सवाल पूछा जाता है कि क्या मोदी जी ने नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया था? क्या मोदी जी नवाज शरीफ के घर बिरयानी खाने नहीं चले गए बर्थडे की बधाई देने के लिए? देखिए, इसके पीछे इंटेंशन क्या है। हमारे भारत सरकार का, प्रधानमंत्री का यही इंटेंशन था कि पाकिस्तान के साथ हमारे संबंध प्रेम पूर्ण, सौहार्द पूर्ण बने और ये संबंध बनकर दोनों देश गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी के खिलाफ लड़े। उनकी भी इकोनॉमी बहुत कठिन अवस्था में है, वहाँ गरीबी बहुत है और हमारे देश में भी गरीबी बहुत है, और इसलिए हम दोनों मिलकर एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के बजाय, इतना डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ाने के बजाय हम गरीबी और भुखमरी के खिलाफ लड़े, ये हमारा भाव था। और इसलिए ईमानदारी के साथ और ऑनेस्ट इंटेंशन के साथ मोदी जी ने उनको अपने शपथ विधि के कार्यक्रम के लिए बुलाया। उनके घर में शादी थी, उसके लिए खुद जाकर पाकिस्तान में जाकर उनको उन्होंने शुभकामनाएं दी, एक अच्छा गेस्टर दिया। हमने हमारे तरफ से अच्छा व्यवहार किया, पर अच्छा व्यवहार के बदले में हमको क्या मिला? निरपराध जवानों की हत्या, बॉम्ब ब्लास्ट, आतंकवादियों ने हमारे लोगों के, हमारे मिलिट्री फोर्सेस के कैंप पर हल्ला करना। मुझे बताइए, मैं एक बात पढ़ाऊँ, मृत्युंजय करके एक मराठी में किताब थी, शिवाजी सावंत करके उसके लेखक थे, बहुत सुंदर मराठी में लिखी हुई किताब है, उसका सभी भारतीय भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन हुआ है। उन्होंने एक सुंदर वाक्य कहा है कि सामर्थ्यवान व्यक्ति ही, जो सामर्थ्यवान है, सबल है, वही व्यक्ति शांति और अहिंसा प्रस्थापित कर सकता है। दुर्बल व्यक्ति ने शांति और अहिंसा पर कितना भी भाषण दिया तो कोई उसको घास नहीं डालता, कोई उसको सुनता नहीं, ये बात उन्होंने कही है। और इसलिए हमको सबल बनना है, सामर्थ्यवान बनना है, पर सामर्थ्यवान इसलिए नहीं बनना है कि हम विस्तारवादी है, हम किसी देश के ऊपर आक्रमण करके उनको हमारे साथ लेना चाहते हैं, इसके लिए नहीं बनना है हमको, हमारे संरक्षण के लिए। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि दिनकर ने भी कहा, क्षमा सोती उसी भुजंग को, क्षमा सोती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, जिसके पास विष हो, ताकत हो, वही माफ करे तो अच्छा लगता है। बिल्कुल सही बात है। इस देश में जो लड़ाई है वो आतंकवादी, जो अलगाववादी, आतंकवादी और फंडामेंटलिस्ट है, उनके साथ लड़ाई है, पूरे वर्ल्ड की लड़ाई है, ये धर्म की लड़ाई नहीं है, ये आतंकवाद के विरोध में मानवता की लड़ाई है, और उसमें सब जितने लोग मानवता के साथ हैं उनको साथ लेकर आतंकवाद से लड़ना होगा और उसको समाप्त करना होगा, उसमें ही विश्व का कल्याण है, उसमें ही सबका कल्याण है। एक और सवाल मेरे पास में है, शिरीष चांडक। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि यदि धारा 370 यदि हटा दिया तो कश्मीर भारत से अलग हो जाएगा, इस पर सरकार की क्या राय है सर? देखो, कश्मीर भारत से अलग होने का सवाल ही नहीं उठता। कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, अलग भाषा अलग वेश, फिर भी हमारा एक देश। और हम तो कहते हैं कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, ये सवाल ही नहीं उठता। हम सत्ता पे रहे या ना रहे, मंत्री रहे या ना रहे, कश्मीर के बारे में सवाल नहीं उठता, हम इस देश की, अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे, सवाल ही नहीं। नितिन जी, उनका सवाल ये था कि आर्टिकल 370 ये तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में था, 5 साल सरकार रही, क्यों नहीं हटा? देखिए, ये बहुत संवेदनशील मुद्दे है। 370 हटाने के बारे में हम पहले भी सहमत थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, पर आज की वर्तमान सेंसिटिव स्थिति में हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर के लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर में गरीबी, भुखमरी और बेरोजगारी है। मैं खुद मेरे विभाग की ओर से 60,000 करोड़ के काम कश्मीर में कर रहा हूँ। जम्मू से श्रीनगर मैंने बड़ा हाईवे बनाया है,
लद्दाख और लेह को कारगिल को जोड़ने के लिए श्रीनगर से मैं 6000 करोड़ की झोजिला टनल बना रहा हूं और वहां आईटी आए, वहां इंजीनियरिंग कॉलेज आए, अब आईएएस में पहला विद्यार्थी कश्मीर से आया, वहां का पर्यटन बढ़े और पर्यटन बढ़ेगा तो 49% एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल के लिए खर्चा होता है, वहां की गरीबी दूर हो जाएगी और इसलिए कश्मीर के लोगों को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए आज के स्थिति में उनकी भावना में और प्रज्वलित होकर वो नाराज हो ऐसा काम हमको नहीं करना चाहिए। हम उनको समझाएंगे, उनके मन को बदलेंगे और उनके मन में ये विश्वास पैदा होगा कि हमारा कल्याण अगर हो सकता है, हमारी गरीबी भुखमरी बेरोजगारी अगर कोई दूर हो सकती है, हमारे बेटों को रोजगार मिल सकता है, हमारे बेटों को अच्छी शिक्षा मिल सकती है तो भारत के साथ मिलजुल कर रहेंगे तो ही कश्मीर का हित है। ये उनको समझाकर उनकी मनस्थिति को और माइंड सेटअप को उस प्रकार से तैयार करना ये हमारी पहली प्रायोरिटी है और ऐसे संवेदनशील मुद्दों में आज अगर हम ऐसा कोई निर्णय करते हैं तो देश के हित में नहीं होगा। हम कल भी उस मत के थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। उचित समय पर भविष्य में ऐसा समय आएगा जो नौजवान है, जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे, डॉक्टरी पढ़ रहे, वकील बन रहे हैं, वो नौजवान अब धीरे धीरे इस बात को महसूस करने लगे हैं। समय के साथ मुझे लगता है उनकी राह निश्चित रूप से हमारे विचारों से जुड़ेगी और उसी समय ऐसे निर्णय करना देश हित में होगा। आज की स्थिति में कर उससे नई समस्याएं खड़ी करना उचित नहीं होगा, पर मैं आपको साफ कह रहा हूं कि आपकी भाव से हम कल भी सहमत थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। नागपुर शहर में आपके सबसे बड़े नेता नितिन गडकरी पर आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर आरोप है कि ये अपनी पार्टी के विरोधियों के चहेते हैं। अब नितिन जी, राहुल गांधी नागपुर आए, उन्होंने 1 घंटे तक भाषण दिया, मोदी जी को चोर भी कहा, पार्टी का बुराई की, आपके बारे में कुछ नहीं कहा उन्होंने, ये मोहब्बत कैसी है? आपका सवाल बहुत सही है पर इसका जवाब तो राहुल गांधी बता सकते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं मंत्री होने के नाते सभी अपोजिशन पार्टी के नेता मेरे पास आते हैं तो मैं हमारे अधिकारी को कहता हूँ कि कहीं हिंदुस्तान में काम करने के लिए बोल रहे हैं ना, पाकिस्तान में थोड़े बोल रहे हैं, हो सकता है तो सबका काम कर दूँ। तो CPM से लेकर कांग्रेस के लेकर कोई भी आता है तो मैं उसका काम करता हूँ और इतना ही नहीं तो नागपुर में मैं जब आता हूँ तो मुझे 2000 लोग मिलते हैं। मैं जात पंथ धर्म भाषा सेक्स और पार्टी इस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता। जो जो लोग मेरे पास आते हैं, जो होने लायक काम है, मेरे अपोजिशन के सब कांग्रेस के भी कार्यकर्ता नेता मेरे पास आते हैं, मैं उनके भी काम करता हूं और मैंने बहुत से नेताओं को कहा, वो मेरे पास आए कि हम इस बार चुनाव में आपका काम करेंगे, मैंने कहा मेरा काम मत करिए, डायरेक्टली आपका नुकसान होगा, अंदर से कर सकते तो करिए। तो ये 5 फरवरी 2019 को राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया का बीजेपी में गडकरी एकमात्र नेता हैं जिनमें सच कहने का साहस है। देखिए मुझे राहुल गांधी जी के सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और राजनीति मेरा पेशा नहीं है। मैं 75 के इमरजेंसी के बाद राजनीति में आया हूँ, मेरा अपना कन्विक्शन है, मेरे अपने विचार है, मेरे पार्टी के विचारों पर मेरी श्रद्धा है और मेरे जितने काम करने वाले कार्यकर्ता है वो मेरा परिवार है, यही मेरा समझ है और मैं सबका साथ सबका विकास ये सूत्र जो प्रधानमंत्री ने बताया है उसी के आधार पर सबका काम करता हूँ और मेरी आदत भी खराब है, एकाधा काम नहीं करना है तो 10,000 लोगों में चुनाव के समय भी बोल देता हूँ ये होता नहीं, ये मैं कर नहीं पाऊंगा, आप समझिए। ये आपकी तारीफ उन्होंने इसलिए की थी कि आपका एक स्टेटमेंट छपा था, जो अपना घर नहीं संभाल सकता वो देश को क्या संभालेगा, ये पूरा गलत था। मेरे पास मेरे एक कार्यकर्ता आए थे और उन्होंने कहा कि मैं देश के लिए अपना जीवन देना चाहता हूँ, तो मैंने उनको पूछा कि आप क्या करते हो, बोले किराने का दुकान है, बंद हो गया, घर में कौन है, पत्नी है, बच्चे हैं। तो मैंने उनका देखो, नो फिलोसॉफी कैन बी टॉट टू एम्प्टी स्टमक, और मैं पहले दिन से 50 बार नहीं 100 बार हजारों कार्यकर्ता को कह चुका हूँ कि पहले अपना घर संभालिए, अपने परिवार को संभालिए
और उनको ठीक संभालने के ऊपर देश और समाज की सेवा करी है। अगर अपना घर ठीक से नहीं संभाल सकते तो देश को कैसे संभालेंगे। अगर मैं देखो, मैं अगर आज राजनीति में हूँ, मैंने 17 लाख करोड़ रुपए के काम किए, कोई कॉन्ट्रैक्टर मेरे घर पे नहीं आया, कोई मिलने की आवश्यकता मेरे को नहीं पड़ी, क्योंकि मैं अपने खर्चों को, अपने गाड़ी, पेट्रोल, ड्राइवर सब खुद करता हूँ। दिल्ली में, मुंबई में मेरे घर पे लोग काम करते हैं, उनके तनख्वाह देता हूँ। मैं ईमानदारी से मेरा मिनिमम एक्सपेंडिचर कर सकता हूँ, इसलिए मैं ईमानदार हूँ। अगर ये आवश्यक खर्चे के लिए अगर मेरे पास पैसे नहीं होते तो लोग मुझे स्पॉन्सरशिप देने के लिए ढूंढते और मुझे खरीद लेते। मुझे खरीदने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, इसका कारण मेरी आर्थिक स्थिति थी। देखिए, और इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि पहले अपना घर ठीक संभालिए। अब आपको आश्चर्य होगा, इस चुनाव में मैं यहाँ आपके टीवी में ओपनली कह रहा हूँ, इस चुनाव में मैंने एक भी व्यक्ति को 1 रुपया चुनाव के लिए नहीं मांगा। और आपको आश्चर्य होगा कि आज ये घटना हुई, एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट मेरे पास आया और मुझे कहा कि मुझे चुनाव में मदद करना है। ऐसे 4-5 लोगों के साथ मेरा हादसा हुआ। मैंने कहा तुम काहे को मुझे मदद कर रहे हो, तुम्हारी हालत ही खराब है, तुम्हें ही नुकसान में जा रहे हो, इस बार कोई मदद नहीं करूँगा, तुम पहले तुम्हारा व्यवसाय अच्छा करो और इस के पैसे अगले चुनाव में देना। तो उसके आंखों में आंसू आए। और आपको ताज्जुब होगा रजत जी, मैंने 5-7 लोगों को पैसा डोनेशन पार्टी को देने के लिए मना किया, क्योंकि मैं उन लोगों को अपने परिवार का चाहता हूँ और मेरी इतनी इज्जत है कि अगर वो अच्छे स्थिति में आएंगे तो वो मुझे कहेंगे आप बताओ हमको क्या करना है, वो करेंगे। पर आज उनकी स्थिति अच्छी नहीं है, मैं जानता हूँ, और इनकी बुरी स्थिति में बेचारे बैंक का पैसा नहीं दे सकते। ऐसे स्थिति में उनके ऊपर मेरे चुनाव में कोई बोझा पड़े ये बिल्कुल नहीं चाहता। और इसलिए मैंने जो रिलेशनशिप बनाई है वो ऐसी रिलेशनशिप बनाई है कि जो मैं सत्ता पे रहूं या नहीं रहूं, मैं पद पर रहूं या नहीं रहूं, मैं कहीं भी रहूं, और एक बात भी मेरी पक्की है, मैं एक बार जिस आदमी का हाथ पकड़ लेता हूं, चाहे गड्ढे में जाए, दुनिया कुछ भी कहे, मैं नहीं छोड़ता। जिससे दोस्ती है उससे दोस्ती है। देखिए, आप इतने सारे रिलेशनशिप बना के रखते हैं, हर राजनीतिक दल में रिलेशनशिप बनाते हैं, इसलिए कांग्रेस के नेता ने कहा कि नितिन गडकरी का हाल यह है कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। उनका कहना है कि इनकी निगाहें तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है। देखिए, मैं तो बहुत बार क्लियर कर चुका हूँ। देखो, 1-3 बातें मेरे बारे में अच्छी आप नागपुर आए, इसलिए मैं जॉर्ज फर्नांडिस और अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना आइकॉन मानता हूँ। मैं 35 साल से हर सप्ताह में 4 बार एयरपोर्ट में आता हूँ जाता हूँ, मेरे स्वागत के लिए एक व्यक्ति नहीं आता। दूसरा, मुझे सबसे बड़ा गुस्सा आ जाता है जब मेरे पास कोई हार लेके आता है डालने के लिए, मतलब क्यों हार डाल रहे हो, क्यों पैसे खर्चा कर रहे हो, ये हार मत डालो। यहाँ एक व्यक्ति बैठा है, उसने मेरे साथ, मेरे संतोष यादव करके झोपड़पट्टी में रहता है, अभी देखा मैंने उसको मेरे पीछे, हाँ वो हाथ ऊपर है उसके, इसने 900 हार्ट के ऑपरेशन, मैंने 9000 ऑपरेशन किए, इसने 9000 पेशेंट को, गरीबों को ढूंढ ढूंढ के मेरे पास लाया और मैंने उनके हार्ट के ऑपरेशन करके दिए। पर आपको बताता हूँ, ये बार बार उन लोगों को ले आता मेरे पास और उनका फूल लेके आता है, गुच्छे लेके। फिर मैंने इसको डटाया, मतलब पहले उनके पास हार्ट के पैसे नहीं, तो काय के लिए गुच्छे के पैसे खर्चा करता, तो ये फूल लेके आने लगा और मेरे साथ उनका फोटो निकालता है। अब इसके पास 900 फोटो है, छोटे छोटे बच्चों से लेकर, इसकी यही हॉबी है कि झोपड़पट्टी में घूमता है लाता है। देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ, मैं न कभी मेरा बायोडाटा किसी को दिया, न मैंने किसी के गले में हार डाला, न मैंने किसी को कोई पद मांगा। मेरी औकात और हैसियत से मुझे बहुत ज़्यादा मिला है। अगर सही मेरी चले तो मुझे, मैं किसानों में काम कर रहा हूँ, 1100 एकल विद्यालय गढ़चिरौली जिले में चलाता हूँ, 18000 बच्चे पढ़ते हैं, मैं 1 रुपये सरकार की ग्रांट हम नहीं लेते। मैं मेडिकल के हेल्थ सर्विसेज में लाखों लोगों की सेवा करता हूँ। अब तो मेरे ज़िंदगी में मेरी बहुत अच्छी इच्छा ऐसी है कि मेरा ज़्यादातर समय मैं सेवा के लिए दूँ, एग्रीकल्चर में जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं उनकी जान बचाने के लिए दूँ। पर मैं भी मजबूर हूँ कि आज मुझे राजनीति में ही रहना पड़ेगा, नहीं तो नानाजी देशमुख जो कहते थे कि 60 साल के बाद आपने समाज की सेवा करनी चाहिए, और इसलिए मैंने राजनीति की परिभाषा बदलनी है। राजकारण मैंने सत्ताकारण नहीं है, राजकारण का अर्थ है समाज कारण, राष्ट्र कारण, अर्थ कारण और विकास कारण, पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट।
और इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज द मिशन। बेरोजगारों को रोजगार देना ये हमारी चिंता है। और मैं परिवारवाद, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे लड़के लड़की कोई टिकट नहीं मांगते। और मैंने सब नेता को कहा, नहीं तो बीच में हमारे पार्टी में भी नेताओं के लड़कों ने खादी के कपड़े पहनना शुरू किया था। मैंने बोला तुम्हारे लड़के लड़कियों को तुम्हारे कहने पर टिकट नहीं मिलेगा और मैं देने नहीं दूंगा। हाँ, उसको टिकट चाहिए तुम मत को, जनता अगर कहेगी तो वो किसी का बेटा ही है, उसका गुनाह नहीं है, उसको जरूर टिकट देंगे, पर तुम बोलोगे तो कभी नहीं देंगे। नितिन जी, तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा है, उनकी सारी बातों से ही लगता है कि कोई उनको सीट की, पोजीशन की कोई उस टाइप से नहीं है लालच या मन में कि मुझे ये बनना है वो बनाओ। उनको बस ये है कि मैंने अपनी कंट्री के लिए काम करना है, पॉवर्टी जो है, गरीबी है वो हटानी है, फार्मर्स को जो कंडीशन है, जो आत्महत्या कर रहे हो उसको सॉल्व करना है। मतलब इन जनरल कि भाई कंट्री में जो जो प्रॉब्लम्स है मैं जितना सॉल्व कर सकता हूँ करूँ। तो वो बहुत अच्छा लगा। और जो वो बता रहे थे ना 60 ईयर्स के बाद आपको फिर मतलब सोशल वर्क करना चाहिए, वो मुझे आइडिया बहुत अच्छा लगा है। मेरे ख्याल से मैंने भी वही फॉलो करना है। 60 ईयर्स के बाद जब फ्री हो गए, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, सेटल हो गए, फिर आप अच्छे काम करो, सोशल वर्क करो, दुनिया की हेल्प करो, वो तो मैंने करना ही है। तो वो बहुत अच्छा एक उन्होंने बताया है कि और 60 ईयर्स मुझे तो लगता है अगर बच्चा पहले ही सेटल हो जाए तो उसके बाद फिर ठीक है, फिर तभी शुरू कर दो। अभी जब तक बच्चे छोटे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब तक आप बच्चों का ध्यान रखो। तो बहुत ही अच्छी बात बताई। और वैसे मैंने सभी, जैसे मैं पहले बोल रही थी ना, लीडर्स जो हैं बीजेपी के, उनकी यही सोच देखी है कि हमें कोई मोह माया उस टाइप से नहीं करना, हमें उसका कोई नहीं है, हम देश के लिए आए हैं, देश को हमने आगे बढ़ाना है। और बहुत अच्छा बताया था कि मोदी जी जो हैं वो क्यों पाकिस्तान में गए, और वो सब बताया कि भाई उनका तब इंटेंशन था कि ये उनको बोलें कि आपके भी गरीबी है, हमारी भी गरीबी है, जो इतना पैसा हम डिफेंस में खर्च कर रहे हैं उसकी जगह हम अपनी गरीबी हटाने में लगे। पर उसके बाद जो बैकफायर हुआ तो उनको भी, मोदी जी को अब समझ में आई कि ये तो बात बनने नहीं वाली है, पर स्टेप तो उठाना था ना, पहले कोशिश तो करें, नहीं तो दिल में यही रहेगा कि हमने कोशिश ही नहीं की। अब अगर हमने कोशिश की, नई बात बनी, तो अब समझ हमें आ गया कि वो वर्क, वो वे वर्क नहीं करेगा। तो बहुत ही अच्छा बोल रहे हैं, वेट करना, थर्ड पार्ट जल्दी लाएंगे। बहुत अच्छा वीडियो था। अब जब इनके वीडियो को देख रहे थे तो इतने एब्जॉर्ब्ड हो गए थे, पता भी नहीं चल रहा था हमारे आसपास क्या चल रहा है, क्योंकि आप जब इनके विचार सुन रहे हैं तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, दिल को, ह्यूमैनिटी को फायदा हो रहा है, लगता है कि ये ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा है, लगता है कि बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, साफ साफ बात कर रहे हैं, और जो भी करें तो बहुत ही अच्छी बात है। हमें ज़्यादा पता नहीं था इनके बारे में, मगर अब हमने देखा है तो बहुत खुशी हो रही है कि इसका मतलब ये है कि बीजेपी में और भी बहुत सारे कार्यकर्ता होंगे सिमिलर, जिनका थॉट प्रोसेस होगा। तो इतनी मतलब ज़बरदस्त ये पार्टी है कि उनकी सोच एक ही है, उनका थॉट प्रोसेस एक ही है, उनकी जो भावना है देश के लिए वो एक ही है, उससे बहुत खुशी आती है। जिस तरीके से उन्होंने कहा ब्यूटीफुली, उन्होंने एक एक क्वेश्चन का आंसर किया, एक एक बात के बारे में उन्होंने एक एग्जांपल भी रखा कि वो भाई साहब जो जिन्होंने 900 लोगों का इन्होंने अपने पार्टी में से उनकी हेल्प की है बच्चों को, इट्स अमेजिंग। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देख के, बहुत ही समय बाद। और नॉर्म मैं यही कहूँगा कि आप किससे इम्प्रेस हो रहे हैं, नॉर्मली आप बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनसे इम्प्रेस हो रहे हैं, मोदी जी से इम्प्रेस हो रहे हैं, योगी जी से हो रहे हैं, आप अमित शाह जी से हो रहे हैं, आप नितिन गडकरी से हो रहे हैं, तो इन सबसे एक ही कॉमन है, आप इनके सुनते हैं तो आपको सेम विचार आपके सामने आते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो वेरी नाइस, बहुत अच्छा इनका ये वाला छोटा सा पार्ट जो हमने किया था अभी, बहुत अच्छा था। एक एक पॉइंट जो है वो आपके दिल पे टच करता है, अमेजिंग। बिल्कुल। और मुझे इनकी ये भी बात बहुत अच्छी लगी कि भैया हमें किसी की वो स्टैंप नहीं चाहिए, हमें पता है कि हम क्या हैं। और सब में आप सबकी, इनकी किसी भी की इंटरव्यू देखोगे ना, उनके लिए अपने रिस्पेक्ट मोदी जी के लिए, अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए है। तो चाहे वो जो ऑपोजिशन है वो ऐसे बोलती है तब भड़काने के लिए, आप ही अच्छे हो जी, ताकि आपको ये बनना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, ताकि अंदर फूट डले। पर इन सबको पता है, उनको पता है कि हमारे जो अभी लीडर हैं वो मोदी जी हैं, और हमारे आदर्श जो थे, और इवन मोदी जी कहते हैं कि भाई मेरे आदर्श तो जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो वो देख के बहुत अच्छा लगता है, अपने जो ऊपर हैं उनके ऊपर उनका रिस्पेक्ट करना, वो इज्जत देख के बहुत अच्छा लगता है।
तो फ्रेंड्स बहुत ही मजा आ रहा है, तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।